हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रिव्यू पार्ट है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रिव्यू पार्ट में जो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं उनकी चर्चा मैं करता हूं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में जो रिव्यू है वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो अपवाद जैसे हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का रिव्यू। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट रिव्यू। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला इसमें नियम है वह क्या दिया है, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जोरदार बनाना हो तो आई और वी के साथ विल लगाते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ ही सी इट आदि दे यू इटीसी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बहुत सामान्य सा नियम है कि जैसे मान लीजिए, अब यहाँ लिखा है कि वह स्कूल जरूर जाएगा। अगर यहाँ पर जरूर शब्द ना होता, उदाहरण में अगर ये होता कि वह स्कूल जाएगा तब तो ये हो जाता ही विल गो टू स्कूल। यानी सामान्य तरीके से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई वाक्य सामान्य तरीके से है तो जैसा कि आप फ्यूचर के इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि आई और वी के आने पर सेल लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के आने पर वे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि वह स्कूल जरूर जाएगा, तो ये सामान्य नहीं है बल्कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है। यही इसमें रूल कहा जा रहा है कि यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जोरदार बनाना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहां आई और वी के साथ सेल लगता था सामान्य परिस्थिति में स्थिति में, तो वहां आई वी के साथ सेल ना लगा करके विल लगा देना है, और जहां पर आप जो है विल लगाते थे यानी कि ही सी यू और अन्य सब्जेक्ट के साथ जहां विल लगता था वहां सेल लगा देना है। तो वह स्कूल जरूर जाएगा, ही सेल गो टू स्कूल। तो यहाँ ही के आने पर भी यहाँ देख रहे हैं सेल लग गया, और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा या मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तो इसमें भी जोरदार, इस वाक्य को जोरदार बनाया गया है, तो आई के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग कर दिया गया। तो एक तो ये नियम था। दूसरा नियम आप देखिए, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस यानी कि दशा सूचक वाक्य और इस टेंस में आया हो तो ऐसे वाक्यों में यदि वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को फ्यूचर के टेंस में ही लिख दिया जाता है। अब आइए देखिए, हम उदाहरण नंबर 3 और 4 को देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा कि अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, दशा सूचक वाक्य हो, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रेजेंट कंडीशन होता है, दूसरा पास्ट कंडीशन होता है और तीसरा फ्यूचर कंडीशन होता है। तो अब सवाल यह है कि अगर कोई वाक्य फ्यूचर कंडीशन का हो तो जो यदि वाले वाक्य होंगे या जो कंजंक्शनल सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ वाक्य है उसको आप फ्यूचर टेंस में ही लिख सकते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 3 को देखें, यदि वह पढ़ेगा तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। तो हिंदी में तो दोनों ही वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं, जैसे कि यदि वह पढ़ेगा और तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ये सब दोनों ही फ्यूचर टेंस में है। लेकिन इस पहले वाक्यांश को, यदि वह पढ़ेगा, यदि वाले वाक्य को यानी कि इफ वाले वाक्य को हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, अर्थात यस या यस का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य साधारण है। और यदि वाक्य नेगेटिव है, मान लीजिए अफर्मेटिव के बजाय अगर ये नेगेटिव है तो डज नॉट आदि का प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा, जैसा सब्जेक्ट तो होगा। तो कहने का मतलब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, इफ ही रीड्स, लिख रहे हैं कि यदि वह पढ़ता है, और जबकि हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे कि यदि वह पढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ ही रीड्स और ही विल पास। दूसरे वाक्य में देखिए आपका विल आ गया, तो भले ही यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है लेकिन इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे फ्यूचर में, यानी इफ ही रीड्स माने यदि वह पढ़ेगा, और तो की अंग्रेजी इस समय कामा लगाई जाती है, जब भी कंडीशन सेंटेंस होता है तो उसमें तो तब आदि की अंग्रेजी कामा लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ ही रीड्स, यदि वो पढ़ेगा तो माने कामा, वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ही विल पास। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 आप देखिए, चौथे एग्जाम्पल में है, यदि तुम खेलोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, इफ यू प्ले, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ यहाँ प्ले लग रहा है, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इफ यू प्ले इसका अर्थ दे रहा है यदि तुम खेलते हो,
लेकिन हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो निकालेंगे यदि तुम खेलोगे तो इफ यू प्ले यू विल बी रिउंड, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ विल बी रिउंड जो आ रहा है ये फ्यूचर टेंस में है, हालांकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया क्योंकि विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होते हैं और ये वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के आने पर किया गया है। तो ऐसे स्थिति में आपका तीसरा और चौथा उदाहरण ये सपोर्ट करता है रूल नंबर टू को, और जबकि आपका पहला और दूसरा उदाहरण जो सपोर्ट करता है रूल नंबर एक को। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में रिव्यू का जो रिव्यू पार्ट था, इसके यही दो रूल्स थे जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसके साथ साथ यह वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।